पंचभूत में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जितना रॉ मटेरियल इस शरीर में है हम कहीं बाहर से नहीं लाए। पृथ्वी लोक के बाहर जाकर किसी और लोक में से यह हाथ में जो कुछ भी हमारा रॉ मटेरियल है इस शरीर में है, बाहर से कुछ नहीं लाए, यहीं पर से लिया हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, देखिए हमारे आसपास पंचभूत की सृष्टि है और उसी में से वृक्ष बनती है, औषधियाँ बनती है, खाने योग्य पदार्थ बनते हैं, अन्न बनता है, धान्य बनता है, हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, क्या है सब पंचभूत का मिश्रण है, विविध स्वरूप में मिश्रण है। हाँ, कुछ खास स्वरूप में मिश्रण होना उसको गेहूं कहते हैं और कुछ अलग तरीके से मिश्रण होना उसको चावल कहते हैं और कुछ अलग ढंग से मिश्रण होना उसको सब्जी कहते हैं, किसी को पानी कहते हैं। पूरे विश्व में आप देखेंगे पांच भौतिक सृष्टि, इसी सृष्टि का उपभोग मैं करता हूं। हम जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि होती है अन्न से, तो यह पूरा शरीर अन्नमय है, अन्नमय कोश कहते हैं इसको, अन्नमय कोश। अन्न में हम क्या ग्रहण करते हैं, पंच तत्व का ग्रहण करते हैं और उसमें सीमांस बनता है, स्नायु बनते हैं, हड्डियां बनती हैं, सब कुछ उसमें से ही बनता है। तो पंचभूत एक अव्यक्त रूप में थे और फिर किसी ने उसको ग्रहण किया और व्यक्त रूप से अब दिखता है, पंचभूत अलग रूप से दिखते हैं उसको व्यक्त कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये मध्य में मोह है, व्यक्त होता है तब उपयोग करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, ममत्व हो जाता है, अब इसके साथ मैं अनंत काल तक रहूंगा ऐसी एक प्रीति हो जाती है, लेकिन छोड़ना पड़ता है। सनातन सिद्धांत अव्यक्त निधनान्येव, उसका निधन होगा ही, उसको छोड़ना ही है, जबरन छोड़ना पड़ेगा, समझ कर नहीं छोड़ेंगे तो काल छोड़वाएगा। तो यह बात भगवद गीता में कही गई। तो एक अद्भुत प्रक्रिया, उत्पत्ति पालन पोषण प्रलय, उत्पत्ति पालन पोषण प्रलय, यह चलते रहता है, चलते रहता है, इसका स्वीकार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसी बात को, यह जो चक्र जन्म मरण का चक्र, अव्यक्त व्यक्त और अव्यक्त का चक्र, एक अलग ढंग से समझाया, जिसको कहते हैं प्रलय मीमांसा। भारतीय वैदिक सनातन धर्म में, हमारे प्रत्येक संप्रदाय में अद्भुत विज्ञान है, तत्वज्ञान है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु एक तत्वज्ञान का स्वीकार कर भगवान की भक्ति करते हैं। नाशवंत शरीर मिला है, इस नाशवंत शरीर से अमरत्व को, अमृतत्व को पाना है, यह हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। प्रलय मीमांसा का स्वीकार भारतवर्ष का और एक अद्भुत डिंडिम है। चार प्रकार के प्रलय, चतुर्धा प्रलय प्रोक्तः, चार प्रकार के प्रलय, चतुर्धा प्रलय प्रोक्तः, नित्यो नैमित्तिकस्तथा प्राकृतिकस्तृतीयस्यात् तूर्यः आत्यंतिको लयः। चार प्रकार के प्रलय, अर्थात यह जो प्रलय की एक घटना घटती है प्रतिदिन, उत्पत्ति से विनाश की ओर सब पदार्थ जा रहे हैं, एक परिवर्तन का दौर, एक परिवर्तन का समुद्र, उसकी लहरें चलती है, सब बदलते रहता है, उसको समझने के लिए चार प्रकार के प्रलय सुनाए। सबसे पहला नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब दैनंदिन भवनः, प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। देखिए यह शरीर हमारी देह प्रतिदिन वृद्धत्व की ओर जाती है, प्रतिक्षण। एक दिन की बात कहां है, एक दिन बनता है अष्ट प्रहर में से, एक प्रहर में 3 घंटा होता है और 2 मुहूर्त होते हैं, उसको कम करते 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 जाइए तो निमेश तक आ जाएंगे,
हम एक आँख से जैसे पलकार ऐसे पलक लेते हैं उसको निमेश कहते हैं, वहाँ से समय की गिनती शुरू होती है। उसके भी हजार भाग कर दे नहीं, उसके भी करोड़ भाग करें, उससे भी ज़्यादा वेग से हम परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं।